बाबा हाजी अमृत वेला नहीं होते घर में लड़का हॉस्पिटलाइज हो जाए, पत्नी हॉस्पिटलाइज हो जाए तो अमृत वेले नींद आएगी। तो एक दिन के लिए बाबा, एक दिन के लिए नहीं, तो एक हफ्ता के लिए। ये भी तो एक जन्म भी नहीं है, आधा जन्म भी नहीं है, चौथाई जन्म है। कहीं नौकरी मिल जाए अच्छी खासी, नाइट ड्यूटी का, नाइट ड्यूटी में अमृत वेले की ड्यूटी की, तो नींद आएगी। इसका मतलब उस नौकरी से जो प्राप्ति होनी है उससे भी कम प्राप्ति वाला समझते हैं। नहीं, ज्यादा है तो, लेकिन प्रैक्टिकल में रिजल्ट क्या है? सोचते बाबा जी 84 ये नहीं करते हैं, उनका क्या 84 जन्म कम हो जाएगा? कहते हैं परमात्मा बाप से हमारे सर्व संबंध है, क्या माताएं भी कहती हैं हमारा बच्चा है, भाई लोग भी कहते हैं हमारे सर्व संबंध है। जैसे बाप आकर के संसार में उसकी कफोड़ी हालत होती है, ऐसी हालत अगर बच्चे की हो जाए तो नींद आएगी हा? फिर इसका मतलब सर्व संबंध निभाए हैं। अच्छा बाबा, अच्छा बाबा करते करते एक बार मुरली होता है, अति नहीं होता माने तो याद नहीं करने सकता है, माने 2 सप्ताह उठते उठते फिर सो जाते हैं, उसको क्या हो? हैं, 1 सप्ताह 2 सप्ताह किया भोर वेला आसमान नहीं किया जा सकता है, तो क्या हो? जो 1 सप्ताह 2 सप्ताह जिसकी प्रैक्टिस बन जाएगी, लगातार करते जिसकी प्रैक्टिस बन जाएगी, 1 सप्ताह की भी लगातार जगने की, वो प्रैक्टिस तो पक्की हो जाएगी। लेकिन होता नहीं है, होता 1 सप्ताह भी अगर बन जाएगी, 2 दिन उठ के देखा फिर भी दूसरा नहीं होता, ये बात होता नहीं, उठ के बैठने की बात नहीं है, अवस्था भी बने, उठ के बैठने की क्या बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। उस उठ के बैठ गए, लेकिन मन को कंट्रोल करने की बात है ना। 2-3 सप्ताह ऐसा मैंने किया बाबा। अभी के पानी में आपने एक शब्द बताया है, एक लाइन बताया कि द्वापर युग से इस्लामी जब आते हैं ऊपर से तो सबको आपको कन्वर्ट करने में लाइन लगा देते हैं, लाम लगा देते हैं। लाम लगाते हैं क्यों? क्यों क्यों लाम लगाते हैं? इसलिए है कि दुनिया में सबसे जास्ती आबादी कौन से धर्म वालों की है? इस्लाम। आबादी अभी है क्रिश्चियंस की, हाँ जी। लेकिन 2500 साल में ज्यादा आबादी किसकी रही? इस्लाम धर्म वालों की, सारी दुनिया में फैले हुए हैं इस्लामी। क्योंकि सारी दुनिया जो है उसमें ज्यादातर आत्माएं जो है वो व्यभिचारी बनना पसंद करती है। आप व्यभिचारी बनने वाले थोड़े से हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी और धारणा। अभी का पॉपुलेशन कितना है दुनिया में? पॉपुलेशन दुनिया में है 600 करोड़। ना एक मुल्ली में 56 कैसल में बोला उस समय 600, 2000 साल का कैसल में सुना है वह बोला अभी 600 से 650 का अंदर में होगा आस पास, इधर हो जाए तो कोई गिनने थोड़े ही बैठा है यहाँ अभी। अप्रोक्सीमेट बताया जाता है, है। जब विनाश होगा दुनिया का तो 700-750 करोड़ तक आबादी होगी। लेकिन बाहर का तो सब बोलते 10 करोड़ का जैसे है। बाहर का कौन बोलता है 10 करोड़ आबादी हो गई? घर में ही बोलते 600 करोड़ बोलते हैं तो हंसता है, बोलते 10 करोड़ का जैसे 10 करोड़ आबादी हो गई। नहीं हाँ, राम और कृष्ण सुरोशी दोनों के एक साथ रहेंगे? अरे यहाँ 50 वर्ष एक साथ रहते हैं, ये 50 वर्ष तो कम हो गए 69 के बाद 2018-19 तक।
कहाँ रहे साथ? सूक्ष्म में तो सभी साथ रहते हैं, सूक्ष्म को कौन देखेगा? सूक्ष्म में तो शिव बाबा भी हमारे साथ रहता है, देखेंगे? हाँ शूटिंग तो मन बुद्धि में उसी आदर्श है। क्या शूटिंग मन बुद्धि में? शूटिंग तो बुद्धि का ही होता है, सूक्ष्म में होता है। हाँ, तो जो शूटिंग होती है कि नहीं? अब मैंने बाबा ने कैसे में बोला कि अष्टदेव का दो सीट फिक्स हो गया, एक है बाप और एक है माँ। कैसे तुम बोला? अव्यक्त वाणी में नहीं बोला? अव्यक्त वाणी में भी बोला। अव्यक्त वाणी में भी बोला। चलो यहाँ तक तो आए। जोगेश सर है, एक तो बाप है जोगेश सर और एक माँ जिसका 296 कैसेट में जिसका जन्म स्थान बता दिया गया, शंकर की प्यारी नगरी काशी नगरी है। वो तो भक्ति मार्ग में सब जानते हैं, तो काशी नगरी में जन्म लिया है और वो अभी नई दुनिया का संगठन बनाने में बाबा को सहयोग दे रहा है। अभी तो फिर जगदम्बा जो माँ थी वो उसका पार्ट चेंज हो गया क्या? जगदम्बा माँ, जगदम्बा जगत की माँ है या सूर्यवंशियों की माँ है? वो सूर्यवंशियों के बाद इस सृष्टि पर होती है या पहले से ही होती है? अपने स्वरूप को पहचानने में जगदम्बा पहला नंबर है या सूर्यवंशी पहले नंबर? फिर जन्म लेना माना क्या? प्रत्यक्षता रूपी जन्म होना। पहले तो अपनी मन बुद्धि के अंदर अपने पार्ट की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। लेकिन बाबा भाई भाई स्टेज में बोल रहे थे, उन लोग का स्टेज है भाई भाई के। हाँ, भाई भाई के स्टेज में तो जो शिव बाबा के पहले तीन बच्चे हैं वो भी भाई भाई है। कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। लेकिन तबक्का कहाँ जाएगा? फर्स्ट तबक्का, सेकंड तबक्का, थर्ड तबक्का। तो थर्ड तबक्के वाले और उनके फॉलोअर्स, सेकंड तबक्का और उनके फॉलोअर्स, और फर्स्ट तबक्का और उनके फॉलोअर्स, अंतर नहीं पड़ेगा? फर्स्ट तबक्के की स्टेज बनाने वाले कुछ होंगे या नहीं होंगे? जरूर होंगे। तो वही बाप के पहले पहले सहयोगी जो पहले पैदा होंगे वो सहयोगी पहले बनेंगे। तो सभी का दैट मींस सूर्यवंशी का जो माँ होगा वो कि पूरा जो रुद्रमाला है बाप विजय वाला भी आएगा। रुद्रमाला में भी अलग अलग किस्म के हैं। रुद्रमाला में 12 ग्रुप हैं, 9 ग्रुप हैं, 12 के। तो जो 9 ग्रुप हैं वो एक कैटेगरी के नहीं है। 9 कैटेगरी का? हाँ, कोई तो अंत में निकलेगी कैटेगरी, लास्ट तक भी नहीं पहचानेंगे अपने को, अपने ग्रुप को भी। कोई फर्स्ट कैटेगरी है? ये फर्स्ट कैटेगरी का जो माँ है, हाँ, ये माँ की सब कैटेगरी का माँ होगा? दूसरे कैटेगरी वाले जो है जगदम्बा को मानते हैं? जगदम्बा को? हाँ। जगदम्बा कोई नहीं मानते, मानते नहीं। तो सूर्यवंशियों की माँ को क्या मानेंगे? जो जगदम्बा आएगी चंद्रवंशी से आएगी, और जो चंद्रवंशी माने रुद्रमाला का चंद्रवंशी से, और जो विजयमाला से आएगी, जो दो माए बड़ी माँ और छोटी माँ, दोनों माँ की भी माँ बन जाती है क्या सूर्यवंशी होने के कारण? परदादी बन जाती है, माँ भी नहीं, परदादी। हाँ जी। यहाँ कलकत्ते में कोई परदादी है? है, तो फिर तो जल्दी पहचान लेना चाहिए। हाँ, लेकिन उम्र होने के कारण बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन है। उम्र नहीं देखी जाती है ज्ञान में, क्या देखा जाता है? ज्ञान में जो बड़ा है, ज्ञान में बड़ा भी नहीं देखा जाता, धारणा देखी जाती है। ज्ञान बहुत बहुत ज्यादा हो सुनने और सुनाने के लिए, लेकिन धारणा में जीरो हो तो वो रावण का ज्ञान हो जाता है। बाबा, ये जो अंगूठा देखे इसका काम निशानी है काम का? बाबा, जोगिनी कौन है? जोग लगाए तो वास्तव में जोगिनी किसके मतलब है पर लागू होता है? जोगिनी आपकी आत्मा के ऊपर भी लागू होता है? जोगिनी
आप जोग नहीं लगाते हैं। वो ठीक है हाँ। लेकिन एक मूली में सुना है योगिनी वेदांति के कहा क्या है? वेदांति योगिनी वेदांति कहा जाएगा? वो परमात्मा बाप के रूप को जानती है, नाम रूप देश काल जानती है, कर्तव्य फिर कहेगी योगिनी। जयंती हो या वेदांती हो, जब तक स्वरूप को न जाने तब तक योग लग नहीं सकता। पहले परिचय चाहिए, परिचय भी पूरा चाहिए। पूरा परिचय होगा तो पूरी याद आएगी, अधूरा परिचय होगा तो कोई बरगला देगा। लेकिन बाबा छोटी मम्मी का तो योगिनी नहीं होने से उनका प्योरिटी का पावर तो ये माँ से भी तो ज्यादा है ना। हाँ तो इस प्योरिटी के तो प्योरिटी से तो बड़ा है। ये बात भूल गए कि ये रुद्रमाला का मणका है, राजा बनने वाला है, ये बात भूल गई है। लेकिन योग ठीक से नहीं होने से प्योरिटी कैसे आएगी? अच्छा, राजाओं का योग नहीं होता परमात्मा के बाप के साथ, माने सुप्रीम सोल बाप के साथ प्रजापिता का योग नहीं होता है? अगर उसका होता है तो उसका भी होना चाहिए। स्नेह को योग कहा जाता है? आपके साथ स्नेह है तो आपके साथ दूर दूर के आता है, इतना दूर से। ना ऐसा होता है जब प्योरिटी जिस अंदर में बहुत ज्यादा है उसका ही याद सबसे ज्यादा होगा। याद तब होगी जब पहले पहचान हो। पहचान पहले किसको होती है, रुद्रमाला के मणकों को या विजयमाला के मणकों को? रुद्रमाला के मणकों को पहले पहचान होती है। बाबा तो लोग निराकार को याद करते हैं ना। कौन? हाँ वो तो अभी तो उनके लिए तो बेसिक का ही ज्ञान है, एडवांस का ज्ञान कहाँ है। बाबा नारी का जो लक्ष्य है लक्ष्मी बनने का हाँ? तो इधर में तो रुद्रमाला से तो आगे बढ़ गया है। तो नारी का जो बोलता है नारियों का लक्ष्य है लक्ष्मी बनने का है? तो अभी तो इधर में जो जोगिनी बहन है हाँ? वो तो रुद्रमाला की है, तो उनका लक्ष्य तो जोगिनी बहन है। ज्ञान मिलने के बाद कोई भी रुद्रमाला का मणका है उसको ज्ञान मिलने के बाद पहले वो आत्मा है या पहले शरीर है? तो आत्मा का लक्ष्य क्या है, राजा बनने का है रानी बनने का है? शरीर भल कैसा भी हो, स्त्री चोला रहे और चाहे पुरुष चोला हो जाए, क्या अंतर पड़ता है? लेकिन जो लक्ष्य दिया हुआ है गुरु ने, वो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है इसी जीवन में। बाबा है प्रभावित होने से 84 जन्म काट जाता है। 84 जन्म नहीं कट जाता है, प्रभावित आप बाप से भी तो हो सकते हैं। हाँ दूसरे धर्म वालों से अगर प्रभावित हुए माने प्रजा बन गए तो जन्म कम हो जाएगा। जितना प्रभावित होंगे लंबे समय तक प्रभावित बने रहे, जैसे दीदी दादियों से उनके फॉलोअर्स लंबे समय से प्रभावित हैं, तो शूटिंग क्या होगी? आप उन्हें सुनाने जाते हो, कहते हैं दीदी दादी जब सुनेंगी तब हम मानेंगे। हम नहीं मानते, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेंगे। तो लंबे समय तक प्रभावित रहे माने लंबे समय तक प्रजा बनकर रहे। धारणा कैसे पता लगेगा बच्चों को? धारणा हो जाता है कैसे पता लगेगा? धारणा का पता ही नहीं लगता, खान पान की धारणा का पता नहीं लगता, बोल चाल की धारणा का पता नहीं लगता। कोई हाथ पांव चलाता है कोई हाथ पांव नहीं चलाता है, बहुत गुस्सा आएगी तो भी अपने हाथ पांव को रोक लेगा, धारणा का पता नहीं चलता। कोई की आंखें लाल पीली देखने में आती है छोटी छोटी बातों में भी, और कोई अपनी गुस्सा को थमा लेते हैं तो देखने में नहीं आता। छोटा प्रश्न है, आज के टाइम में सब शॉर्टकट, सभी कुछ शॉर्टकट में हो रहा है कम समय में है? सब कुछ कम समय में, आज के जो समय है सब कुछ कम समय, आज इंसान चाहते कितना उन्नति करे है? बाबा भी सारे ज्ञान हम बच्चों को दे चुके हैं है?
ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है जो बाबा हम लोग को नहीं दिया, सब कुछ दे चुके हैं है? बाबा ये क्यों नहीं कर देते कि आपने जितना जल्द हो सके पुरुषार्थ जो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, यदि कर देते तो लक्ष्य हो जाता है अपना। एक दो का ही कर दे या 500 करोड़ का कर दे, अपना जो संगठन जो अपना संगठन एडवांस का संगठन, ब्राह्मणों का एडवांस का संगठन है जो हजारों अभी चल रहे है, उन सबको लक्ष्मी नारायण बना दे। ऐसा पुरुषार्थ कराए कि हम ऐसा पुरुषार्थ कराए जो सब लक्ष्मी नारायण बन जाए। बिना खाते हुए नोट मिल जाना चाहिए। मक्खन तो मिलता है और अभी धीरे धीरे भगत से ज्ञानी बन रहा है। सत्युग में बोला मुनिया कहा है डायरेक्ट प्रवेशता होता है, सत्युग में डायरेक्ट प्रवेशता होता है, डायरेक्ट प्रवेशता होता है, प्रवेश थोड़ा ही करेंगे ना, प्रवेश का मना जो जन्म होता है ना गर्भ से जन्म होता है तो डायरेक्ट कहते हैं है। तो उसके लिए हम कहते हैं वो जो मास होता है ना 5 महीने का है, जैसे दापर कलयुग में होता है जन्म का पहले पिंडो, तो वहाँ पर पिंडो तैयार होता है बाबा 5 महीने के लिए। क्या होता है क्या नहीं होता है वो अभी बता देंगे, तुम अपने उसी में बुद्धि चलाना शुरू कर। डायरेक्ट का मतलब क्या बाबा? डायरेक्ट माने गर्भ में ही प्रवेश होता है, सीधा आ गया बाबा। बाबा मुरली में बोले हैं कि आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाने पर बाप से डायरेक्ट सुनेंगे, इसका कैसे होगा? बेसिक ज्ञान में चल रहे हैं, उनके आत्मा की कट उतरती है बिंदु को याद करने से, बिंदु को याद करते करते बुद्धि सूक्ष्म बनती है या नहीं? बनती है। तो जिनकी बुद्धि सूक्ष्म बनती है वो एडवांस ज्ञान में आ जाते हैं, जल्दी से पकड़ लेते हैं एडवांस ज्ञान को। तो उन्हें डायरेक्ट मिलता है या इनडायरेक्ट मिलता है? कैसा मिलता है? भगवान बाप डायरेक्ट मिलता है ना, तो यही बात है। अभी भी जो आते जा रहे हैं जिनके आत्मा की सुई की कट देवहान की उतरती है, बिंदु रूप आत्मा बनती है, तो उनकी बुद्धि में बैठ जाते हैं, बाप को पहचान लेते हैं, डायरेक्ट सुनेंगे जैसे एडवांस में भी डायरेक्ट। अभी जो यहाँ बैठे हुए उनकी बुद्धि में क्या है, हमें डायरेक्ट सुन रहे हैं या इनडायरेक्ट? नहीं, जैसे बाप कहीं भी रहे डायरेक्ट सुनेंगे, जब पूरी तरह प्रयास करेंगे तो डायरेक्ट सुनेंगे, बाप कहीं भी मुरली चला जैसे डायरेक्ट सुनेंगे। अब जिनको लगन होगी वो जहाँ कहीं होगा वहाँ पीछे पीछे लग जाएंगे। बाप को संसार बना, संसार मालूम सब कुछ। निराकार बिंदु को याद करने वाले, निराकार बिंदु को याद करने वाले विदेशी विधर्मी अगर चरित्रवान नहीं बनते हैं तो विजय माला तो निराकार बिंदु को याद करते हैं। तो कब तक? जब तक नहीं आए। जब आ जाए तब नहीं आते तो आपसे आगे जाएगी कि नहीं? क्यों जाएगी आगे? वो रुद्रमाला के मणकों से आगे क्यों चली जाएगी याद करने में? हाँ, प्योरिटी से दुनिया के सारे काम होते हैं और जल्दी होते हैं। और कोई से गीता पाठशाला नहीं है, है? कोई कहाँ से गीता पाठशाला नहीं है, कहीं गीता पाठशाला नहीं है, तो संगठित तो होकर जो क्लास करता है कर सकते हैं, तो रजिस्टर रखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है रजिस्टर रखना, जरूरी नहीं है, कुछ भी ना रखो। बाबा का दिल में है, बाप का दिल में रजिस्टर ही हो जाएगा बाबा। हाँ जी, हाँ जी, गीता पाठशाला होने से रखना पड़ता है, लेकिन गीता पाठशाला अगर पास हुई है तो रखना है, और कोई गीता पाठशाला जैसे बाबा चाहते हैं वैसे नहीं है तो भी संगठन तो कर सकते हैं, मिलकर के आपस में क्लास कर सकते हैं। तो बाबा अमृत वेले करते हैं कभी कभी, जैसे अमृत रोज करने का प्रैक्टिस होता है तो कॉपी रख सकते हैं बाबा, जैसे कॉपी बाबा के रजिस्टर के पास दे सकते हैं, एक दो है तो कॉपी रख कर रख सकते हैं वैसा?
कॉपी रखो, रजिस्टर रखो, मोटा रजिस्टर रख लो, क्या अंतर पड़ता है? नहीं नहीं, जैसे जो साइन करते हैं ना, जैसे हाँ एक दो है अमृत बेला के लिए। वो क्लास में जो साइन होते हैं वो तो क्लास संगठन क्लास में देखने में आता है कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है, वो तो बाबा देखते हैं। आपका इंडिविजुअल रजिस्टर रखने की क्या दरकार है, किसको दिखाना है? बाबा के पास तो देते हैं ना रजिस्टर है? बाबा के पास रजिस्टर, बाबा जान जाएंगे बिना बिना रजिस्टर देखे ही। लेकिन बाबा पोता मेल रख सकते हो? अब पोता मेल अलग बात है। चार्ट रखना अलग बात है, लेकिन हम अमृत बेला याद में बैठे या नहीं बैठे घर में सब नहीं चले तो कैसे चले संगठन? ये तो आपको सोचना है, ये रखने वाले को सोचना है ना कि हम रख कहाँ तक रख सकते हैं कहाँ तक नहीं रख सकते हैं। जिनकी संभावना होगी रखने की वो रखेंगे। जो जिसके नजदीक सपोज के किसी का नजदीक में गीता पाठशाला चल रहा है हाँ? तो फिर नजदीक में एक घर में ज्ञान में सभी नहीं चलते हैं हाँ? एक माता चलती है हाँ? तो उनका घर में भी संगठन रख सकते हैं कि ना? नजदीक में गीता पाठशाला है उधर में भी जाके क्लास कर सकता है ना, क्योंकि वो बाबा ने पास की हुई है। हाँ, बाबा ने पास की हुई है, वहाँ नहीं जाते हम, अलग से रखते हैं। क्या साबित हुआ? तो ठीक नहीं है। नहीं, साबित क्या हुआ इसे? मनमोत हो गया। इसका मतलब जो बाबा का घर परिवार है उससे प्यार नहीं है, अपनी डपली अलग अलग बजानी जरूरी है। बाबा मेरा भाई का पत्नी पामेला है, एकदम लुच्चा लफंगल। तो उससे आधार पर तो होना नहीं चाहिए बाबा, नजदीक गीता पाठशाला जो भी है उधर में क्लास करना चाहिए। ये बात ये नहीं कह रहे हैं, इन्होंने तो एक सामान्य बात बताई, कोई अलग से जहाँ पहले बताया गांव में कोई गीता पाठशाला नहीं है, नहीं है इसलिए ठीक है। लेकिन जिधर में गीता पाठशाला है नजदीक में, गीता पाठशाला एक गली में अगर एक गीता पाठशाला है तो फिर दूसरा नहीं चलाना चाहिए। श्रीमत अनुसार चले ये वक्रू तो बाबा ही दे सकते हैं। सीमत अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है ये जिम्मेवारी किसकी है? तो बाबा का है। ये हमको नहीं देखना है कि ये टीचर श्रीमत के अनुसार पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। हाँ, बाबा ने इतना कहा है कि अगर कोई गलती देखते हो टीचर की तो बाबा को लिख करके भेजो। डायरेक्ट अपोजिशन करने से अच्छा ये है कि बाबा को लिख करके भेजो। तो बाबा मधुबन भी है, मधुबन हो गीता पाठशाला हो कोई भी टीचर हो, अगर कोई गलती करती है और वो सहन नहीं होती है तो बाबा को लिख करके भेजो, बाबा टीचर को चेंज कर देंगे, गीता पाठशाला चेंज कर देंगे। लेकिन ये भी बोला एक की बात नहीं मानेंगे कि कोई खुंदक में आ जाए, कोई बात में लड़ाई हो गई और लिख करके फर्रा भेज दिया। कई स्टूडेंट के साइन चाहिए। राजा बच्चा बनाने के लिए तो कैसे होता बाबा? इधर बोलता है नारी से लक्ष्मी बनना, उधर बोलता है नॉर्थ से नारायण बनना, अरे तो राजयोग से राजा बनना है। क्या हुआ? अरे परेशानी क्या आ गई, सो तो बताओ। इन्होंने बोलते हैं नारी से लक्ष्मी बोलते हैं, फिर नर से नारायण बोलते हैं, फिर रुद्रमाला में सब राजयोग सीखते हैं, सब राजा बनना है, तो ये नारी लोग कैसे राजा बन जाएगा, फिर लक्ष्मी भी कैसे बनेगा? वो बोले ना तभी तो बात बनेगी, तभी जवाब देंगे। तो जो नारियां हैं और वो राजा कैसे बनने का लक्ष्य लेंगी? तो जिनमें पुरुषत्व के संस्कार होंगे, दूसरों को कंट्रोल करने के संस्कार होंगे, वो कंट्रोल करेंगे कि नहीं? और कंट्रोल करेंगे तो चेंज हो जाएंगे, आपको क्या चिंता पड़ी है? हैं? हैं? और रुद्रमाला तो सभी चेंज हो जाएगी। हो जाने दो,
अरे बोल दिया शरीर भल कैसा भी हो, हम आत्मा हैं या शरीर हैं? आत्मा है। जब बात ही खत्म हो गई, स्त्री चोला है कि पुरुष चोला है, अंतर ही नहीं पड़ता कुछ। ओ अशरीरी बनने का कुछ बोलिए, और ऐसा बोलिए जो कुछ बुझना चल जाए, बनना ही है अशरीरी बन बनने का, कुछ बोलिए। 9 दिन चले अढ़ाई को। बाबा बोलिए, एक कैसे में सुना जो पोता में भले बाबा के पास नहीं भेज सकते हैं, लेकिन चार्ट रखते हैं, रख सकते हैं, हर रोज डायरी में लिख सकते हैं क्या किया की किया है, भले ना दे सकते बाबा के पास ना भेज, ऐसा रख सकते हैं। मुरली में बोला ऐसे, मुरली में सुना है ऐसे बोला, कन्वे नहीं कर सकते, हो सकता है इसे रेगुलर चार्ट रखना है, चार्ट भेजने के लिए रेगुलर रखना है, लिखना है, लेकिन बाबा के पास भेजने नहीं, पक्का कर लिया? ऐसे मुरली में नहीं बोला है, ये आपकी अपनी मत कह रही है कि हम लिखते जाएंगे अपने पास रखते जाएंगे, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि बाबा हमको कहीं ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। अच्छा बाबा, सादा कोई कागज में रखने से चलेगा है? कोई सादा पेपर में ऐसे लिखने से होगा? सादा पेपर में नहीं लिखो, रजिस्टर में लिखो, कैसे भी लिखो, लिखो। ठीक से नहीं लिख सकता, ठीक से लिखना सीख लो, आदमी क्या नहीं सीख जाता है। कैसे यही भी सुना, पुराना जो जो ज्ञान में आने का पहले जो जो काम किया है वो भी थोड़ा समाधि करके बाबा के पास भेज सकते हैं, ये भी सुना है कैसे तुम? हाँ ठीक है, पहले का लिखा ही नहीं और नया नया लिखना शुरू कर दिया, और पिछला वाला मल्टीप्लाई होता रहेगा तो आगे ही नहीं बढ़ने देगा। हाँ जी बाबा, घर की जब सफाई होती है तो लक्ष्मी को आह्वान किया जाता है, लक्ष्मी का अभाव रहता है, तो बाबा ने बोला कि 2008 के अंत में वैष्णो देवी आने का टाइम बोला, तो फिर अभी 2007 के अंदर में आना चाहिए सफाई करने के लिए। आपको कैसे पता है कि वो रंगमंच पर हाजिर नहीं है? है जगदम्बा ने अपना काम कर लिया है या नहीं कर लिया है, या कर रही है या नहीं कर रही है, आपको कैसे पता? तो फिर मैं सफाई तो नहीं देख रहा है, नहीं वो चाहता है जल्दी सफाई हो जाए, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आंख में से एक भी आया नहीं अभी। 2008 हाँ जी, हाँ जी, आँखों का सामने होना प्रैक्टिकल में ना, वही बोल रहे प्रैक्टिकल में तो नहीं दिखाई दे रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? माँ को नहीं दिखाई दे रहा, जगदम्बा को जगदम्बा का आह्वान वो करें जिनको विनाश होना होगा। अव्यक्त वाणी में तो विजयमाला का आह्वान करने के लिए बोला है, जिसको जिससे प्रीति होगी वो उसको आह्वान करेगा कि नहीं करेगा? 63 जन्मों का हिसाब किताब है या नहीं है? ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ने कितनी बार बोला होगा ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, रखेंगे तो पतित हो पड़ेंगे, फिर कितनों ने माना? नहीं माना ना, जो उस श्रेणी में जाने वाले थे वो तो गए। पीपी के राधाकांत भाई का और एक दरखास्त है, ये पीपी के राधाकांत भाई का एक और एक दरखास्त है, ये हमारा ये एडवांस पार्टी में चाहे ये तो होम मंडली में ऐसा होता है, प्यार आर और मार ये अंत तक ये पाठ चलेगा ना? मार तो अंत तक चलेगा। हाँ जी, तो ये तो कोई कभी बंद नहीं होगा? नहीं नहीं, अभी प्यार चल रहा है, मार भी चल रही है, आर भी चल रही है, प्यार भी चल रहा है, लेकिन लेकिन अभी मार नहीं शुरू हुई है। अब बाबा आप बोला है कि ये जो क्लारिफिकेशन देते हैं ये है चेतावनी पाठ है, जो क्लारिफिकेशन होता है ये तो आपका चेतावनी पाठ होता है ना? चेतावनी
वह तो अपने अपने समझने की बात है। जो 1969 आठवीं जनवरी का बाद 76 तक कौन सा पद चला? 69 से 69 का आठवीं जनवरी का बाद 19 जनवरी से 76 आपका पद को होने का पहला तक कौन सा पद चला? हमारा तो कोई पार्ट नहीं चला, हम पहले भी ब्रह्मा कुमार थे, अभी भी ब्रह्मा कुमार। वो प्यार का बोलते 69 टू 76 के अंदर में हम जैसे पहले थे वैसे अब भी है। पहले भी किसी को मार मारने की हिम्मत नहीं थी, अभी भी किसी को मार मारने की हिम्मत नहीं। दादा लेकिन सुन तो प्यार का पार्ट चला जो मैंने कोई ज्ञान नहीं चलते चलते कोई कारण तो उसका नीचे स्टेज हो गया है। मैं बाबा का विरोध नहीं हूँ, नीचे स्टेज हो गया उसको नया से भर्ती करना होगा। अगर है क्लासेस में आना बंद कर दिया है, बाबा से कनेक्शन नहीं है, जैसे बाबा मुरली बोलते हैं कोई दो महीने तक चिट्ठी भी नहीं लिखते, तो बाबा क्या समझते हैं? बच्चा मर गया, तो जो मर गया है उसको जिंदा होना कि नहीं? तो बट्टी कर लेना चाहिए, हर जगह है उसमें। बाप टीचर सदगुरु, तो बाप का तो पार्ट चल रहा है, टीचर का भी पार्ट चल रहा है, तो सदगुरु का पार्ट कब शुरू होगा? जब मन बुद्धि की सदगति देखने में आए। मन बुद्धि जब सही फैसला लेने लगे, वेरिफिकेशन करने से पता चल जाएगा कि मन बुद्धि सही फैसला ले रही है या गलत फैसले भी लेती है। पहले तो मन बुद्धि की सदगति चाहिए ना, पहले अपने बारे में फैसला चाहिए, मैं आत्मा कौन? अच्छा चलो ये भी नहीं पता चलता, कम से कम इतना तो पता चले कि मैं आत्मा किस ग्रुप में हूं। 108 की माला है, 12 12 के ग्रुप हैं, 9 ग्रुप हैं, उन 9 ग्रुप्स में से मेरा नंबर किस में है, इतना तो पता चले कम से कम। तो कहें बुद्धि की सदगति हो रही है, तो कहेंगे सदगुरु का पार्ट भी हमारे लिए शुरू हुआ। और गीता पाठशाला को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, और एक कैसेट में बोला है जो गोली गोली में गीता पाठशाला होगा, तो कौन सी टाइम आगे पीछे हो जाएगा? सबका एक जैसा होगा क्या? सब गीता पाठशालाओं का एक जैसा होगा? नंबर वार होगा। गली गली में गीता पाठशाला खुलेगी ये कब? जब विनाश होगा तो गली गली में गीता पाठशाला नहीं होगी, तो कर्फ्यू लगेगा तो कैसे क्लास करेंगे? अभी नहीं क्लास कर रहे हैं। फिर तो दूर दूर होगी तो बिल्कुल जा ही नहीं पाएंगे। गली गली में होगी तो एक दरवाजे से निकले दूसरे दरवाजे में घुस गए। जो स्वपाठन जो पुरुषार्थी बच्चा होगा वो अंत में कहाँ रहेंगे? जो स्वपाठन पुरुषार्थी होगा अंत में आज का टाइम में जो स्वपाठन प्योरिटी होगा वो कहाँ रहेंगे? स्वपाठन प्योरिटी तो विजय माला में होती है, वो तो स्वर्ग में रहेगी। जो जोगुना कंठ में जो बोला है जो 100% प्योरिटी वाले या कम प्योरिटी वाले नंबर वार भी होंगे, तो प्योरिटी वाले स्वर्ग में रहेंगे या नरक में रहेंगे? तो बागोद में रहेंगे। अब जो माउंट आबू में जो पुरुषार्थ करने पड़ेगा वो तो सबको जाना होगा। तब इससे पहुंचे वहां पर कैसे पहुंचे विनाश के पहले वहां पर कुछ साधन होगा पहुंचने के वहां पर माउंट आबू इनके लिए। आप मुए मर गई दुनिया, अपनी दुनिया में कुछ भी नहीं रहा, अपना तन भी अपना नहीं रहा, धन भी अपना नहीं रहा, सगे संबंधी भी अपने नहीं रहे, वो तो आराम से पहुंच जाएंगे। बाबा तो गोपाल आए बैल पर नहीं आए, तो अंत में जब इकट्ठा होगा माउंट अभी तो गोपाल बैल पर भी हो जाएगा। जो गोपाल है वो स्वर्ग का गायन है, बैकुंठ का गायन है या मुक्तिधाम का गायन है? मुक्तिधाम में 500 करोड़ सब जाएंगे या सिर्फ गौएं गौएं जाएंगी?
वहाँ तो जो आत्मिक पुरुषार्थ करने के हकदार होंगे, जो इच्छुक होंगे कि हम आत्मा बने, तपस्या करें, वो सब ही वहाँ पहुँचेंगे। तो कोई गऊए नहीं है वहाँ की बात, गऊओं की बात तो बैकुंठ की है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। और बोल रहे हैं उस समय तो भाई लोग जाएंगे तो पालना देंगे क्या बाबा? कहाँ? जब इवेंट पर आत्मा को पालना देने की जरूरत होती है, देह को पालना की जरूरत है या आत्मा को पालना की जरूरत है? आत्मा तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, कहीं भी पालना लेगी। ना उनका कहने का मतलब है खाना पीना मिलेगा ना बाहर पीना मिलेगा। जो सबसे सबसे बड़ी तपस्या है आत्मिक स्थिति में रहना, और जो इतनी बड़ी तपस्या करने वाला होगा, बाबा कहते हैं कि जो ऋषि मुनि सन्यासी होते थे भक्ति मार्ग में, वो जंगल में जाकर के दूर चले जाते थे और बड़े बड़े राजाएं उनके पास खाना पहुंचाते थे। वो तो झूठे सन्यासी थे, झूठी तपस्या थी उनकी, हठयोग। और तुम्हारा तो सच्चा राजयोग है, तो तुमको भूख मरना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, कुछ कुछ बड़े बोलपाल ना होने के कारण है? बहुत बोलों का डर आ गया। आजकल बाबा ने केवल गोपाल तो सिंह मारे होंगे तो डराता होगा। जो जिसने कभी सिंह चलाए नहीं होंगे उसको डर क्यों आएगा? डर आना नहीं चाहिए। डर किसको आता है? इंदिरा गांधी को डर आता है। क्यों डर आता है? चोर की दाढ़ी में तिनका तो डराता है, कुछ किया ही नहीं है तो डर क्यों आएगा? और ये तो भी आपने बोला जो ईश्वरीय सेवा करेंगे तो उसको दो रोटी मिलेगा जरूर, पक्का, इसका नहीं मर सकते है? और एक बात है, ये योगी माने सहयोगी, जिसको जो बैल सपोज मधुबन में नहीं है, जो भाई मधुबन में नहीं है, बाहर है, लेकिन ईश्वरीय सेवा करते हैं, तो उनको जो भी दो रोटी मिलेगा, सेवा करेंगे तो रोटी मिलेगा, तो दो रोटी जो देगा वो तो परिवार से ही तो आएगा ना। और कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी के सामने इशारे से भी भीख मांगे। नहीं नहीं जरूरी है, लेकिन आएगा तो स्वतः ही आकर, आप कोई जरूरी नहीं कि उनके पास ही बैठे, कहीं भी घूमता फिरता रहे, कोई भी घूम, और ऐसे निकलेंगे आगे चल करके, कोई भी चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, और चक्कर लगाने के बावजूद भी उनको मिलेगा। चक्कर लगाएगा वो तो मिलेगा, कोई ना कोई तो सहयोग देगा। निश्चित समाज में रहने की जरूरत नहीं है, समाज की बात, लेकिन समाज में भी रहे, समाज के बाहर रहे, उसको तो मिलेगा ना। जब एक सैंपल बाबा सामने रख देते हैं तो इन बातों को पूछने की दरकार है? बाबा ने सैंपल सामने रख दिया, जब सैंपल सामने है तो ये बातें पूछने की दरकार ही नहीं रहती। एक जरूरत इसलिए है, जैसा कभी कभी क्लास में बोलते रहते हैं, जे सुना जे ब्राह्मण और दान देना है तो पावन को देना है, पतित को नहीं देना है। लेकिन हम पूछना चाहता है, ब्राह्मण पतित है ना पावन है? हम ना अभी पतित है ना हम अभी पावन है, तो पतित नहीं है, शूद्र तो नहीं है ना ब्राह्मण? तो शूद्र तो हम नहीं है, तो ब्राह्मण शूद्र इसलिए नहीं है कि जब से ज्ञान में आए हैं हम ब्रह्मा की औलाद बन गए। तो ब्राह्मण पतित से पावन बनने के लिए कोशिश करता है, बीच में है, ठीक है कि ना? तो सपोज एक गीता पाठशाला चल रहा है, एक पांडव भवन चल रहा है, एक मधुबन चल रहा है, प्लस बाबा है, जो पांडवों का कुछ दान देने इच्छा है किसी को तो अपना स्वतंत्र रीति से दे। जैसा गीता पाठशाला चल रहा है, गीता पाठशाला में भी कोई कोई चीज जरूरत होता है, तो जब भी कोई पांडव कोई ब्राह्मण गीता पाठशाला में दान देना चाहते हैं, कोई किसी को कोई भाई है जो ईश्वरीय सेवा में बहुत बिजी है तो नौकरी टोकरी नहीं करते हैं, तो उनको कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मजबूरी नहीं है। सब बातें खत्म हो जाती है। हाँ, जिसके साथ हिसाब जिसके साथ बनना होता है वो अपने साथ अपना हिसाब किताब बनाता है। स्वतंत्र रहो, और स्वतंत्र रहे तो परिचिंतन करने की क्या दरकार?
तो दे सकते हैं, उसकी इच्छा अनुसार दे सकते हैं, दे सकते हैं। जिसका जिससे जहाँ हिसाब किताब होगा वो कोई मना भी करे तो भी मानने वाला नहीं। हाँ, वो तो ठीक है बाबा, लेकिन ये भी हमने सुना कि कोई कोई बाबा को पूछता है बाबा इसको दान दे, कोई कोई मेरे पास हम ये बोले जो बाबा अलग से कोई बात नहीं बता रहा, बाबा से अगर कोई पूछता भी है तो बाबा बाबा मुरली के जो पॉइंट्स हैं वो उनके पास लिख करके भिजवा देते हैं, मुरली के पॉइंट्स लिख करके उनके पास पहुँचते हैं। करो उनको अकल होगी तो अपने आप समझेंगे, नहीं अकल होगी तो नहीं समझेंगे। ठीक है बाबा, लेकिन क्या है जो हमारे सहयोगी, सपोज जो हमारे सहयोगी नहीं होना चाहिए बाबा की सहयोगी है, लेकिन बाबा की सहयोगी साथ साथ जैसे गीता पाठशाला भी चलता है, पांडव भवन भी चलता है, मधुबन भी चलता है, तो सभी जगह में थोड़ा थोड़ा सहयोग देगा तो सब संगठन मजबूत होगा। मधुबन की चिंता आप छोड़ दीजिए, मधुबन की चिंता नहीं करना, आप मधुबन की चिंता इसलिए छोड़ दीजिए कि मधुबन जो है वो मधुसूदन का है। कोई पैसा इसलिए देता हो बहनों को कि हम तुम्हारा खर्च चला रहे हैं, तुम्हें दवाई के लिए पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए हम दे रहे हैं, तुम्हें रोटी दाल नहीं मिल रही है, अच्छा अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, हम खा रहे हैं तुमको नहीं मिल रहा है, तो वो अपने घर में रखे। बाबा ने जब से ज्ञान में चले तब से लेकर अभी तक भी किसी से कुछ मांगा नहीं, और आगे भी मांगने की दरकार नहीं पड़ेगी। ये तो सच्चा यज्ञ है, मांगने की तो ब्राह्मण परिवार ने बोल दिया मांगना नहीं, मरना मांगना से मरना बात, लेकिन ऑटोमेटिकली कोई सहयोग देगा तो सहयोग रुकना क्यों चाहिए? गलत बात है, किसी को क्यों रोकना और किसी को क्यों कहना? हाँ। सारा ज्ञान तो बाबा ने मुरली में दे दिया, सब कुछ बता दिया। चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, हर वंश की आत्माएं यज्ञ के आदि से ही प्रजापिता के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में बेसिक नॉलेज में पड़ी हुई है। कोई भी बीके वालों से पूछ लो जाके वो मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? इशारे से मांगते हैं, कहकर के मांगते हैं, कोई ना कोई तरीके से मांगते हैं। तो जो दूसरे धर्म की आत्माएं होंगी वो बिना मांगे रह नहीं सकेंगी, नहीं तो जबरदस्ती भी करेंगी मुसलमानों की तरह, तलवार उठाएंगी, हम तुमको मुरली नहीं देंगे, निकलो बाहर। काला धन माना दो नंबरी पैसा, दो नंबरी पैसा माना कैसा? सपोज कोई माने कोई रिश्वत लेकर के, रिश्वत लेकर के बा कोई काला धंधा करके के पैसा उपाय किया, फिर वो जब्ब में दे दिया। हाँ, में कुछ हाँ, कोई कोई गंदा पैसा यज्ञ में देता है? बाबा का तो नियम यह है कि जो कुछ भी देते हो बैंक में जमा करो और बैंक में से निकाल के फिर यज्ञ में दो। काला देंगे तो तुम्हारा काला बनेगा, काली कमाई। पसीने की कमाई देंगे तो तुम्हारा पसीने का बनेगा, फायदा होगा। धन भी सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो होता है। क्या उदाहरण दिया बाबा? 50 पैसा और 1 कोटी का समान समान हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जो जो काला धन देते हैं वो बहुत का बहुत दे देते हैं, और जो पसीने की कमाई देते हैं वो पसीने की कमाई करने वाले कोई करोड़पति नहीं बनते हैं, थोड़ा भी देते हो तो उनका ज्यादा बन जाता है। बैंक में रखने वाले बाबा वो नहीं, बैंक में रखा हुआ है तो इनकम टैक्स जिम्मेवार है कि इनकी काली कमाई है या नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं, वो खोज लेंगे, वो जाने उनका काम जाने, बैंक में से निकाला है हमें प्रूफ दो, बैंक का प्रूफ है, यज्ञ में पहुंचता है, निमित्त बहने हैं वो, उनके पास यज्ञ का प्रूफ, वो बैंक का प्रूफ भी पहुंच जाता है, देने वालों का नाम भी पहुंच जाता है, अमाउंट भी पहुंच जाता है, उनको क्या परवाह आपको एक एक से पूछने की तुम्हारा काला धन है कि सफेद धन है। डबल कमाई करने वाला हो, बावड़ी और परमार्थी कंबाइंड हो, स्थूल धन भी आता रहेगा और मन द्वारा अविनाशी धन भी जमा आता रहेगा। स्थूल धन में इसके बारे में कुछ कौन सा स्थूल धन आएगा?
जो ईश्वरीय सेवा करेगा उनको ऑटोमेटिक स्थूल धन आता रहेगा। हाँ जी, स्थूल धन आता रहेगा, चांदी भी आएगी, सोना भी आएगा, और पैसे भी आएंगे, नोट भी आएंगे, 1000 के भी आएंगे, 100 के भी आएंगे, 500 के भी आएंगे, अनाज भी आएगा, दाल भी आएगी, सब कुछ आएगा, सब्जियां भी आएंगी। गाली भी बाबा देगा। गाली वो भी दान है, हमने दिया होगा, हमने पूर्व जन्म में राजा बन के अहंकार में आकर के कोई को गाली दी होगी तो रिटर्न नहीं होगी है? रिटर्न नहीं होगी है? कार भी आएगी, हमने हमने किसी को दिया होगा तो हमारे पास आएगी। अब वो लेने वाले के ऊपर है कि उसे कितना अपने लिए यूज करता है और कितना ईश्वरीय सेवा के लिए यूज करता है। और बेसिक में बहुत कार्ड आते रहते हैं, लेकिन एडवांस में बहुत कम आते हैं। इच्छा है लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए कार्ड में घूमे, कार्ड में घूमेंगे, सरकार न्यूज में भी कार्ड में घूमने की इच्छा है, इसीलिए सब बोल रहा है कर्मणा सेवा को कर्मणा सेवा गादा का सेवा बोल दिया ना, कर्मणा सेवा गादा की सेवा बोला है, कर्मणा सेवा सबसे अच्छा है, कर्मणा सेवा कर सेवा कर्मणा सेवा, कर्मणा सेवा अगर प्यार से की जाती है, कर्मणा सेवा भी सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो होती है। जो कर्मणा सेवा की गई और उसकी ऊपर दूसरे के ऊपर धौंस दमाई गई कि देखो हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तो वो तमो प्रधान हो जाती है। कंपिल में बाबा सेवादारी नहीं है, इसके लिए नहीं है तो कोई अर्जा नहीं, बाबा के पास पैसे नहीं है क्या? है तो लेकिन अभी बोला सब कर्मणा सेवा गाथा की सेवा है, अभी क्या जरूरत? अरे सबसे क्या मतलब है, सब तो दुनिया में सब है, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, बाबा तो नहीं बोलते। बाबा तो बोला हर सेवा में एक ही जैसा नंबर मिलता है, हाँ हर सेवा में ही एक ही एक जैसा ही नंबर मिलता है, बाबा तो बोला। उसमें भी हिसाब देखा जाता है, उसमें भी हिसाब देखा जाता है, तन की सेवा करने वाला कितने प्यार से सेवा करता है, प्यार से सेवा वो यज्ञ में कोई रोगी है उसकी सेवा कर रहा है और वो 10-20 बातें उसके खिलाफ भी सुनाता है, सेवा भी कर रहा है और उसको गाली और उसकी गिलानी भी उसके मुंह पे कर रहा है, फिर भी उसकी सेवा करता रहे, क्या हम इसकी नहीं कर रहे हैं? हम बाबा के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, उसके कान पे कोई भी जू न रहेंगे तो कहेंगे सतु प्रधान सेवा, और उसने बोला और कान प्रभावित हो गए और सेवा छोड़ दी और वो मर गया तो तमोप्रधान सेवा होगी। डॉक्टर है तो डॉक्टर को भी सहन शक्ति नहीं होती है। ये कर्मणा सेवा के लिए ही बोला गया है, सबते सेवक धर्म कठोरा। बाबा घर द्वार छोड़ने पड़ेगा, घर द्वार छोड़ने बोला ना, घर द्वार छोड़ने पड़ेगा, गीता पाठ सारा छोड़ने पड़ेगा, बाबा तो घर छोड़ने घर बार छोड़ना पड़ेगा, ये तो नहीं बोला, घर बार छोड़ना पड़ेगा ये तो नहीं बोला। गीता पाठशाला वाले जो एडवांस नॉलेज सुना रहे हैं और उनके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए 100 गुनी बढ़ के, जैसे कि रविंद्र भाई जेल में गए थे कलकत्ते में, उस समय जो स्थिति परिस्थिति हुई थी उस समय यहां आने वालों की संख्या कितनी थी, वो एक छोटा सा रूप था और थोड़े समय के लिए था, अभी तो लंबे समय तक ये चलता ही रहेगा, समाज का अपोजिशन होगा, ये सब बोलेगा तो बाबा सब ज्ञान छोड़ के भाग जाएगा। माला के नंबर कैसे बनेंगे? आप जल्दी जल्दी माला बनाना चाहते हैं या हुजूम चाहते हैं? माला बनाना चाहते हैं, माला बनाते हो, बनने दो जल्दी, ज्यादा जोर तो है माया का ही है, माया का तो जोर अभी ज्यादा है बाबा। हाँ जी बाबा, हमने चलते चलते कोई भाई बा कोई बहन शादी कर लिया, तो पहले कल्प में भी शादी किया था, ये क्या बात हुई?
शादी करना आप क्या समझते हैं? ढोल मजीरा बजाने को शादी कहा जाता है क्या? बाबा ने बोला भिखार में जाना माना शादी। विकार में गए और शादी हो गई। ढोल मजीरा बजाने को शादी नहीं कहा जाता। ये बोलना चाहता है जो ज्ञानी में आने के बाद जो एक भाई एक बहन के साथ शादी हो गया ना, तो वो बोलता है जो ब्रॉड ड्रामा में भी पहले भी कल पहले भी उसका शादी हुआ था। जो यहाँ कर्मणा में शादी कर लेते हैं कर्म इंद्रियों से, तो इससे साबित होता है कि वो पूर्व जन्म में भी उनका कनेक्शन जुटा है। तो वो ज्ञान में फिर बाद में आए बाबा के पुस्तक से। और उन्होंने बेकायदे काम उधर भी किए। कहाँ? ब्रॉड ड्रामा में भी चोर डकैत बनकर के उन्होंने बेकायदे काम किए। पवित्र रहेंगे तो उनकी वो बढ़िया शूटिंग होगी। बाबा ये कौन से वर्ष में इंतजार कर रहे हैं? घर में कोई रोगी है तो ज्ञान में नहीं। जाओ जाओ जाओ, जिनको जाना है धीरे से निकल जाओ चुपचाप। हाँ जी, वो कर्म क्या घर में कोई रोगी है तो ज्ञान में नहीं चलता तो सेवा करी तो सेवा कर्म ना है। कोई की गीता पाठशाला है और गीता पाठशाला में दो ही ज्ञान में चल रहे हैं पति पत्नी, और दूसरे परिवार के लोग ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, वो अपने एक घर में एक कमरे में गीता पाठशाला चला रहा है। तो जो लौकिक संबंधी है वो ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान में नहीं चल रहे हैं और उनकी सेवा करनी पड़ रही है। लेकिन बाबा ने तो मुरली में क्या बोला हुआ है अव्यक्तवाणी में, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो हमारी बुद्धि में ये होना चाहिए कि ये ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, या ये होना चाहिए ये हमारे परिवार हमारे गीता पाठशाला के सब सदस्य हैं, सब सदस्य हैं। तो ऐसा सोच करके अगर सेवा कर रहे हैं तो बात ही दूसरी हो जाए। चलो, जिनके घर में गीता पाठशाला नहीं भी है तो भी ये बात लागू होती है। बाबा आज मुरली में कहा है साइंस से बिना सुना होगा, तो बाबा ये जो राजयोग है जो पढ़ाई होता है इससे जो साइलेंस शक्ति साइलेंस पावर जो अटेंड करते हैं वो तो बरस बरस साइंस है, बरस बरस साईं बाबा आ चुका है धरती पर, तो इससे बड़ा साइंस तो नहीं होता। वो तो बड़ा साइंस है ना बाबा, जब कंट्रोल कर सकते पूरा दुनिया के सर्वोच्च अधिकारी होते। अभी कितनी देर कंसंट्रेशन कर लेते हैं? वो तो नहीं मानता ना। अभी जो ध्यान एकाग्र कर लेते हैं, जो साइलेंस में रहते हैं आत्मिक स्थिति में, वो कितनी देर रहने लगे? तो होगी होगी तब होगी, आगे क्या होगा? अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं ना, वर्तमान में अभी कितना है? तो फिर उतना ही रिजल्ट निकलेगा ना। बाबा वो मम्मी छोटी मम्मी का जन्म जो है 42वां जन्म, मतलब ये द्वापर कलयुग में 42वां जन्म जो है नारी होता है। और एक श्लोक में आपने बोला है कि जो जन्म जन्म लगी रगड़ तुम्हारी, तो अंत जन्म में जो है ये गीता माता क्यों पहले आती है, ये छोटी मम्मी क्यों नहीं आती? माता पहले क्यों आती? जो पहले साकार में आ जाते हैं कनेक्शन में वो ज्यादा फायदे में रहते हैं क्या? ये गारंटी है? जो ज्ञान में साकार में आ गए नजदीक वो ज्यादा फायदे में है
और जो नजदीक नहीं आए मन बुद्धि से, किसी की मन बुद्धि है उसमें फिक्स हुआ पड़ा है मुझे लक्ष्मी बनना ही है, नारायण के साथ रहना ही है, तो वाइब्रेशन क्या बनेगा? और एक की बुद्धि में ऐसा है कि गीता का भगवान तो कृष्ण ही है, तो बुद्धि फिटेगी या लगेगी? फिट जाएगी। इसलिए दूर है और कोई पाप कर्म नहीं बन रहा है, और प्रीति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, वो ज्यादा अच्छा है। तो ज्यादा से ज्यादा जन्म छोटी मम्मी का वो 42वां जन्म जो है नारी का होता है। वो तो जो राजाएं हैं उनके ज्यादा जन्म पुरुष के होंगे, और जो आधीन रह करके ज्यादा सुख भोगना भोगने के वो अधिकारी हैं, वो किसी के रहबरी में रह करके ही सुख भोगेंगे। वो तो कन्या माता का चोला धारण करना उनके लिए अच्छा ही है। एक होता है सारी जिम्मेवारी अपने हाथ में लेकर के चलना, और एक होता है सारी जिम्मेवारी सौंप दिया ऐसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, निश्चिंत कौन रहेगा? जो दे दिया जो तो ज्यादा सुखी रहेगा ना। तो ज्यादा समय बड़ी मम्मी का साथ रहते हैं, ये संकरण लगता है या छोटी मम्मी? अभी तो बताया कोई सरेंडर हो जाते हैं, कंधे पे चढ़ के बैठते हैं 24 घंटे बाबा के, और बुद्धि बाहर की दुनिया में रहती है, तो वो साथ है या दूर है? आखिरी में रिजल्ट क्या निकलेगा? दूर हो जाएंगे। और हमने बोला कि कंपिल का मिनी मधुबन में बाप को याद करो, चलेगा? यहाँ ये भी तो मधुबन है, हाँ यहाँ तो बाबा आते हैं। कौन मना करता है याद न करो? किसी ने मना किया गया है याद न करो? कंपिल तो अभी बाबा कोई कोई तो कंपिल में पहले पहले जाते थे, हाँ और उधारी मैंने सेट कर दिया था, हाँ याद करना, हाँ अभी तो कंपिल का सब मकान फकान सब अभी तोड़फोड़ हो गया, हाँ टूट गया, टूट गया, हाँ अभी वो जो मैंने सेट था, हाँ तो भरपूर हो जाएगा। हाँ वो तो यादगार तो खत्म हो गई सोमनाथ मंदिर की, सोमनाथ मंदिर तो खत्म हो गया। जैसे हम लोग बीके वालों को बोलते थे ये घर की घर भी है और विश्वविद्यालय भी है, बोले थे ना ये घर भी है और विश्वविद्यालय भी है, एक पॉइंट है ना, तो ये कंपिल के लिए लागू होता था। आप तो अभी तोड़ फोड़ के फिर घर होगा विश्वविद्यालय हो रहा है घर, ये कैसे पता कि एडवांस पार्टी उस स्टेज में नहीं आएगी जिस स्टेज में अभी ब्रह्मा कुमारियां धीरे धीरे आ रहा है ना? ये बात ज्ञान में क्लियर नहीं की है क्या? कि जड़ें जो रुतबा नहीं दिखाती हैं उससे ज्यादा रुतबा बीज रूप आत्माएं दिखाएंगी। ये ज्ञान में भी आगे होते हैं तो भक्ति में भी आगे होते हैं। हाँ जी एडवांस में ज्यादा दिखाएगा। अरे ये बीज नहीं है, ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो अच्छे में आगे बढ़ के दिखाएंगे तो बुरे में आगे बढ़ के नहीं दिखाएंगे। लेकिन तब जब बाप की रहबरी का हाथ नहीं अनुभव करेंगे, जो अनुभव करेंगे उनकी वो चाल नहीं होगी, नहीं तो फिर स्वर्ग ही स्थापन नहीं होगा। एडवांस पार्टी में शक्तियां नहीं है, टक्कर गुरुओं से आगे जाना है। एडवांस पार्टी में शक्तियां नहीं है, शक्तियां है क्या?
बोलते एडवांस पर तो डायरेक्ट बाबा का पास है तो छत्र छाया में ही होगा। छत्र छाया में ही होगा, ये अनुमान से नुकसान नहीं होता है। एक तरफ ये भी कहते हैं जगन्नाथ की टूटी भुजाएं हैं, दूसरे कहते हैं साथ ही होगा, ये दोनों बातें कैसे होंगी? तो जब भी ऐसा हो जाएगा जी छत्र छाया में नहीं होगा हाँ। तो वो लोग कॉम्पेंसेशन करेगा बहुत करेंगे ही। वो तो जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है वो तो सत्ता का दुरुपयोग करता ही है देह अभिमान में आकर के। प्रभुता पाए काहे मदनाई, प्रभुता हाथ में आती है तो कुर्सी का दुरुपयोग होता है। बाबा तथागत ब्राह्मण से जो लड़ाई होते हैं, जो ज्ञान की लड़ाई होते हैं है? तो बोलते हैं कि शिव बाप एक व्यापी बन कर आते हैं। बाबा बोलते हैं कि शिव बाप एक व्यापी बन कर गया था, बाबा भी इधर मुरली में बोलते हैं कि शिव बाप एक व्यापी बन कर गया था हाँ? तो वो बोलते हैं कि एक व्यापी बन कर आता है तो फिर दो कैसे हुआ? दो कहाँ हुआ? दो नहीं हुआ, ब्रह्मा बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाबा में ही शिव बाप और कोई है नहीं। तो बाप बन के आया, वो तो बाप के लिए बोला है, बाप कोई सर्वव्यापी थोड़े ही है, वो तो माँ है। ब्रह्मा के अंदर माँ का पार्ट है या बाप का पार्ट है? माँ का पार्ट है। बाप ने ब्रह्मा ने कोई वर्षा दिया? कोई वर्षा नहीं दिया। ब्रह्मा ने कोई जन्म दिया? बीज बोया ज्ञान का? तो नहीं बोया। तो फिर एक बात बोलते हैं उसको, तो बोलता है कि सर्व संबंध हम उसी से लगाते हैं। किससे? बाबा मुरली में बोलते हैं कि सर्व संबंध हम ब्रह्मा से। ब्रह्मा से सर्व संबंध लगाते हैं? माँ बाप को पालना तो वही देता है, वो बोलते हैं। माँ कहाँ से गुजर दी? याद तो सिर्फ एक को करना है, याद करना है एक को, और एक की याद से ही फायदा होगा। वो बोलता है बाप भी वही है। कौन है? वो क्या बोलते हैं भक्ति मार्ग वाले, क्या बोलते हैं? हमें उनसे क्या लेने देना, हमें मुरली से लेने देना, मुरली की बातों से लेने देना। वो तो कुकवंशा वाली ब्राह्मण है और हम मुखवंशा वाली ठहरे। ब्रह्मा के मुख से जो बात निकली है हम उस पर ध्यान देंगे? ये वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, कुछ भी कहते रहो। तो लड़ाई यहाँ वाइब्रेशन की है, हमें हाथ पांव मल्लयुद्ध लगना है, कोई तीर तलवार चलानी है, ज्ञान की लड़ाई लड़ो। बाबा वो जो बोला आपने सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया, कंपनी का कंपनी का सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया, जरा हिसाब से बात करो। वो मकान ऐसा है जिसमें आधी ईंट की लेंटर डाली गई थी बनाते समय, और उसकी दो तीन मंजिलें जो ऊपर उठाई गई है वो सिर्फ 85,000 में तैयार हुई है पूरा। उसकी म्याद थी 10 साल की, 2000 तक विनाश होना है, उसके बाद एडवांस पार्टी का कल्याण हो जाएगा। तो वो टाइम पूरा हो गया, मकान में पानी दीवानों से झड़झड़ करके नीचे इकट्ठा होता है, तालाब बनता है, रात में सोना भी मुश्किल, जब ट्रैक्टर गुजरता है तो दीवारें हिलती है, तो ऐसे मकान को गिराना नहीं चाहिए। हाँ, वो सोमनाथ मंदिर वो मोहम्मद गजनबी हो गया गिराने वाला। वो तो सोमनाथ मंदिर अरे क्या मकान को याद करना है क्या? पोजीशन में सेट हुआ भक्ति मार्ग में दीवालों को याद करते हैं, मूर्तियों को याद करते हैं, और ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में बाप को याद करना है। वो ईंटों की दीवालों को याद करने की बात नहीं है, वो वाइब्रेशन जैसे पहले था वैसे ही वो वाइब्रेशन अंत में भी बना रहेगा। अगर नहीं बना रहे तो फिर माउंट आबू वाले ज्यादा ऊंच पद पा जाएंगे, और जो वहां जाकर के भट्टी की है वो नीच पद पा जाएंगे। वाइब्रेशन की बात है। बाप दादा को दिल में रख कर याद करेंगे, जैसे कि हम मधुबन में जाके याद नहीं कर रहे, हमारा दिल में बाप दादा का चित्र बिठा लिया। कौन मना कर रहा है? तो अभी तो याद है, बाप दादा का शरीर ही मधुबन है,
तो मकान है, वही तो हो जाएगा। शरीर को सामने लेके आके साकार में गिराकर कोई तो वही सब घर नहीं है क्या? ओके, एक बात जरूर है, एक बात जरूर है, जो जिसका प्रेमी होता है वो उसके नजदीक पहुंचना चाहता है, दूर नहीं रहना चाहता, ये भी पक्का कर लो। क्या? जो जिसको प्यार करता है वो उसके नजदीक रहना चाहता है या दूर रहना चाहता है? रहे दूर, और कहे हम तो दिल में रखे हुए। और पक्का सूर्यवंशी 12 भी नहीं होता, 8 ही होता है। और सूर्यवंशी जो बाद में वो नंबर वार होते हैं बाद में, बाकी 4 मणका वो स्थापनाकारी है, तो वो विनाशकारी है, विनाश भी तो चाहिए कि नहीं? किसका विनाश? जो भी पुरानी दुनिया है, जो भी पुराने संस्कार है, उनका विनाश चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे रुद्रमाला के मणके में हर तरह के बीज नहीं है? दुनिया के सब धर्मों के बीज हैं या नहीं है? सब है, सारी दुनिया ही 108 में समाई हुई है। 108 के अंदर जो स्वभाव संस्कार नहीं होगा वो 500 करोड़ की दुनिया के अंदर भी स्वभाव संस्कार देखने में नहीं आएगा। चार आत्मा ऐसा विनाशकारी होंगे हर ग्रुप में? हाँ, हर ग्रुप में विनाशकारी भी होंगे, स्थापनाकारी भी होंगे, तो पालनाकारी भी होंगे। उस धर्म में तमो प्रधानता नहीं आती है क्या? हर एक धर्म में तमो प्रधानता नहीं आती है? उस तमो प्रधानता का नाश कौन करेगा? वो भी चाहिए। काशी का नगरी में विश्वनाथ मंदिर है, तो वहाँ पर वहीं से बाबा की प्रतिष्ठा होगी। ये तो स्थूल बात है, वो काशी नगरी तो स्थूल बात है, ये बात दूसरी है। काश्य माने तेज जिसमें समाया हुआ हो, वो चैतन्य बात है। जहाँ जहाँ जड़ यादगार है बाबा का, शिवलिंग का जो यादगार है, वहाँ वहाँ से बाबा की प्रतिष्ठा है इस नाम पे हो, ऐसा तो कुछ नहीं। ना भी हो सकता है और हाँ भी हो सकता है। लास्ट में क्यों आते हैं? गंगा लास्ट में क्यों आती है? विजयमाला लास्ट में क्यों आती है? लास्ट में आए और फास्ट जाए तो क्या हर जाए? दक्षिण भारत के लोग पहले आए, दक्षिण भारत के लोग पहले आए, उसमें भी कोई कल्याण होगा? अगर बाद में आते जो थोड़ी बहुत हिंदी समझ में आती है वो भी नहीं आती, पहले आ गए तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान की धारणा बुद्धि में बैठी ना। रुद्रमाला पहले क्यों आती है, विजयमाला बाद में क्यों आती है? जिसको आत्मा पाप ज्यादा है, हाँ, उनको पहले आना है। गंदा कपड़ा है उसके लिए पानी ज्यादा चाहिए, लंबे समय तक उसकी धुलाई चाहिए। जो पवित्र आत्माएं हैं वो तो लास्ट में एक झटकोरा लगेगा ठीक हो जाएंगे। जो नारायण और जो लक्ष्मी का जो मुकुट रहता है, राजमुकुट है, मुकुट में रंग बिरंगे जो पत्थर देखा जाता है उसका क्या है? जो नवरत्न होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, एक ही रंग के होते हैं?
रंग बिरंगे होते हैं, एक ही रंग के थोड़े ही है। कोई माणिक्य है लाल रंग का होगा, कोई मूंगा है तो हरे रंग का होगा। जैसे सात रंग हैं वैसे वैसे वो भी है। लोचनी को नारायण से ज्ञान धन मिलता है, है? लोचनी को नारायण से ज्ञान धन मिलता है। हाँ जी, तो एक तो वैष्णव देवी के तो पहली लक्ष्मी है, बाबा से उनको ज्ञान मिलता है। बाकी जो नंबर वन लक्ष्मी है तो नंबर वन नारायण से ज्ञान मिलेगा क्या?